अररिया के एडीबी चौक स्थित यूनियन बैंक में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से बैंक में आग लग गई। बता दें कि बैंक से निकल रही धुएं को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और अग्निशमन विभाग व नगर थाना को सूचित किया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके साथ ही बैंक के शाखा प्रबंधक रवि कुमार ने बताया कि लगभग शाम के 4 बजे आग लगने की सूचना उन लोगों को मिली, जिसके बाद वो लोग बैंक पहुंचे और इसकी जानकारी स्थानीय थाना सहित अग्निशमन को, जिनके बाद आग पर जो है काबू पाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आग लगने से कई उपकरण जो है जलकर राख हो गए हैं, जिसे लगभग 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। साथ ही कहा कि बैंक में रखे कैश जो है सुरक्षित है। गौरतलब है कि छुट्टी होने के कारण बैंक में ग्राहक नहीं थे, जिससे एक बड़ी घटना होने से बच गई। सामान जलकर नुकसान हुआ लगभग कम से कम 15 से 20 लाख का। सिस्टम वगैरह भी जला है? सिस्टम जो नेटवर्क डिवाइस है वो सारा जल गया है। UPS और कनेक्टिंग डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस सब जल गया है। राउटर, स्विच, टाटा का डिवाइस, BSNL का डिवाइस, मॉडेम, कैश वगैरह का नुकसान? कैश सुरक्षित है जो अभी तक पहले नजर में लग रहा है। आग लगने की सूचना मिली तो उस समय ग्राहक वगैरह का दिक्कत नहीं था? आज छुट्टी का दिन था, बैंक बंद था आज। गैस वाला थोड़ा वाला या फिर उसमें से सब लंबा वाला छोड़ के दे देना सारा दे दो, कोई बात नहीं।